आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हाथ जोड़ के अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय सत्यपाल जी, जो श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर बना है, उसके प्रस्ताव में मैं समर्थन में खड़ी हुई हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगा था कि विपक्ष की तरफ से कुछ सकारात्मक, कुछ रामलला के मंदिर में विराजित होने के बाद सद्बुद्धि आएगी, लेकिन अध्यक्ष जी महोदय, उस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी होने के नाते मैं आज इस नए सदन में नए प्रस्ताव को समर्थन देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संतों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, शायद मुझे लग रहा है गौरव गोगोई जी ने गोली चलाने की बात कही, शायद मुझे उनको याद दिलाना पड़ेगा। जब कार सेवकों के ऊपर इनकी सरकार के समर्थन में रहे, इनके साथ में है, इंडिया के गठबंधन में है, क्या एक बार भी कांग्रेस ने उन कार सेवकों की छातियों से जो रक्त बहा था, अयोध्या की गलियां रक्त रंजित थी, सभापति महोदय में वहां थी, क्या कभी इस कांग्रेस ने खेद प्रकट किया? माननीय सभापति महोदय, ये 500 साल का संघर्ष, यद्यपि बाहर के व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन आज मैं जब मैं इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ, आज मैं श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का स्मरण करना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं महंत अवैद्यनाथ जी का स्मरण करना चाहती हूँ, मैं स्मरण करना चाहती हूँ रामचंद्र परमहंसदास जी को, मैं 2082 की घटना का उदाहरण देना चाहती हूँ। उस कुंभ की साक्षी मैं भी थी, जो संत कभी छत के नीचे नहीं रहना जानते थे, जंगल में रहते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे, ऐसे पूज्य वामदेव जी का भी मैं स्मरण करना चाहती हूँ। मैं दोरा बाबा को भी स्मरण करना चाहती हूँ, जो कभी झोपड़ी में रह करके जीवन व्यतीत किया, लेकिन अशोक सिंघल जी के आग्रह पर उस प्रयागराज के कुंभ में सारे संत राम जन्मभूमि के लिए इकट्ठे हुए, इसके लिए दूसरे आंदोलन के लिए देना चाहूंगी तो मैं श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को देना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत चर्चा विपक्ष की तरफ से हुई, बापूजी की बात हुई, महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद यह भी कहा था कि अब आजादी मिल चुकी है, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, नहीं माना। लेकिन आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए खड़ी हुई, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूं। रामराज की बात यदि सही मायने में किसी ने लागू किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। राम जब वनवास गए, उस वनवास के साथी कौन थे, क्या आपको याद नहीं था? आज याद आया क्या? जब राम जन्मभूमि के मंदिर का प्रस्ताव आया,
धन्यवाद का प्रस्ताव आया तब आपको वनवासी याद आए, आदिवासी याद आए, बिरसा मुंडा याद आए। आप चिंता मत करिएगा, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। आदिवासी टेरिटरी आप तो बोलेंगे क्या है, आपके अस्तित्व में नाम थे ही नहीं। ट्राइब्स जो है वो शहरों में भी हो सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने शोध किया, ग्राम वासी है, उसको भी निकाला। ये टेरिटोरियल शब्द है, ये सभापति महोदय, ये वर्ग से संबंधित शब्द नहीं है। नहीं मैं बुंदेलखंड, ये वर्ग से संबंधित शब्द नहीं है, ये टेरिटरी से संबंधित शब्द है। नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, इस प्रकार से प्लीज। माननीय सभापति महोदय, वनों में भी है, गांवों में भी है। माननीय सभापति महोदय, वो भी आदिवासी है। जी जी, माननीय सभापति महोदय, वो बराबर है उनके। जी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, नो, इन्होंने कहा सबके राम है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, इनको याद दिलाना चाहती हूँ, जब राम का वनवास हुआ उस समय सबसे पहले किसने साथ दिया? भाई ट्राइबल तो रांची में नहीं रहते क्या? रांची में रहते कि नहीं रहते? तो उनको क्या कहेंगे आप? तो सुनिए, तो सब जगह है वो, और वनों के अंदर और भी लोग रहते हैं। ये क्षेत्र का शब्द है, ये वर्ग सूचक शब्द नहीं है। प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ। नहीं नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से राम के सखा को सम्मान मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? संत की कोई जाति नहीं होती अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये शरीर भी किसी परिवार में पैदा हुआ है और मुझे गर्व है उस निषाद समाज में पैदा हुई हूँ जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा था, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। मैं उस कुल में पैदा हुई हूँ। क्या इनको श्रृंगे वेपुर नहीं दिखाई पड़ा? राम के सखा का स्थान नहीं दिखाई पड़ा? क्या इनको सबरी का स्थान नहीं दिखाई पड़ा? क्या इनको गिरिराज का स्थान नहीं दिखाई पड़ा? क्या इनको हनुमान का स्थान नहीं दिखाई पड़ा? मैं अभिनंदन करना चाहती इस भरी सभा में, पहले प्रधानमंत्री हैं देश के सच्चे प्रधानमंत्री, जिनका 56 इंच का सीना है, निषाद के नाम से टिकट जारी किया। इनका 56 इंच का सीना है, जिन्होंने सबरी के नाम का टिकट, डाक टिकट जारी किया, गिरिराज जटायु के नाम का टिकट जारी किया, राम मंदिर के नाम का टिकट जारी किया। गोगोई जी गुरबाणी का उदाहरण दे रहे थे तो मुझे भी याद आ गया, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की। याद करना चाहिए, यानी गुरु इन संत सिखों के आस्था के केंद्र बिंदु को पाकिस्तान में कैद यदि रास्ता किसी ने दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, याद रखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है माननीय अशोक संगल जी के नेतृत्व में मैं सुंदर आंदोलन की भागीदारी भी रही, और मैं सौभाग्यशाली हूं जिस राम जन्मभूमि का ट्रस्ट देश के सच्ची प्रधानमंत्री जी ने बनाया वो मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज उसके ट्रस्टी भी हैं। मेरी गुरबान साध्वी रितम्बरा जी, मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, मुझे बताने में मुझे लग रहा है वो बात जरूरी है, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय 2003 के पहले इंदौर में गिरफ्तार किया गया था दिग्विजय सिंह की सरकार के समय। अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहती हूँ, किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो दिन में गिरफ्तार किया जाता है, किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रात्रि के 2:30 बजे दिग्विजय सिंह की सरकार ने दोष क्या था, हम राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए साध्वी रितम्बरा और हम लोग लगे थे, बस दोष ये था
माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे टोक किया गया नहीं, रात्रि 2:30 बजे गिरफ्तार किया गया, 250 गाड़ियों के साथ लगा कि हमें सुरक्षित जगह ले जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय वो 250 गाड़ियां इंदौर के इर्द गिर्द घूमती रही, एक गाड़ी में अकेले लेकर के गुना की चौकी में जा करके FIR लिखवाया। अध्यक्ष महोदय वो क्षण में याद करती हूँ तो मुझे लग रहा है कि इनको राम की बात करने का अधिकार नहीं है, नहीं अधिकार। अध्यक्ष महोदय मैं उसकी भी साक्षी हूँ, कपड़ा बदल करके, कपड़ा चेंज करके हम अयोध्या से गए थे, कार सेवकों की छातियों को गोलियों से भूना गया था, तब ये लोग कहाँ थे? मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ थे ये लोग? अध्यक्ष महोदय कोठारी बंधु की बहन से भी मैं मिली, मुझे पश्चिम बंगाल जाने का अवसर मिला, उन्होंने कहा दीदी अभी हमारे भाइयों की आत्मा को शांति नहीं मिली। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हाथ में भगवान का मुकुट लेकर के राम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय उन कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि सच्चे अर्थ में अर्पित। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। माननीय सभापति महोदय, रात्रि में गिरफ्तार किया गया, इतना ही नहीं छोड़ा गया था, कहीं बाथरूम तक नहीं करने दिया गया था, और जेल जाकर के ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय हम किसी से बात नहीं कर सकते थे, और शायद माननीय राजनाथ सिंह जी को याद होगा एक घटना, वो घटना मेरे दिल में कौंध गई जब बुंदेलखंड के विधायक बादशाह सिंह जी को मुलायम सिंह की सरकार के समय उठा करके काउंटर करके लिए काउंटर करने के लिए ले गया गया था। माननीय जी वहां गए थे, मुझे वो बात याद गई कि कहीं हमारा काउंटर ना हो जाए। क्या ये है इनकी चर्चा करने का विषय? क्या ये रामराज की बात कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं आपसे, मैं पहली बार सदन में आई थी, मेरी बुंदेलखंडी भाषा से एक शब्द निकल गया था, पार्लियामेंट को 8 दिन नहीं चलने दिया था, ये नारी का सम्मान है? सभापति महोदय ना राम का सम्मान ना नारी का सम्मान। महोदय मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई थी, आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, मेरे कारण मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे कारण वेंकैया नायडू जी को, मेरे कारण मेरे आज के रक्षा मंत्री जी को, मेरे कारण स्वर्गीय सुषमा स्वराज को माफी मांगनी पड़ी थी। एक महिला के द्वारा एक शब्द निकला, उसको पार्लियामेंट को घेरा गया। अध्यक्ष महोदय इसके लिए कौन जवाबदेही होगा जब मौत का सौदागर कहा गया प्रधानमंत्री जी को? इसका जिम्मेदार कौन होगा अध्यक्ष महोदय, जब मेरे प्रधानमंत्री जी को जहर की पुड़िया कहा गया और ये कह दिया गया कि बाहर बोला गया शब्द है? माननीय अध्यक्ष महोदय इनसे उम्मीद नहीं है? आप गौरव गोगोई जी सुन लीजिए, मैं सुनती रही हूँ। बैठो बैठो बैठो, आप बैठो बैठो। अब बोलिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जब घाव होता है मिर्ची लगती है तो जीवन तो उठेगी, जरूर उठेगी और उठना भी चाहिए। देश की जनता देख रही है कि तुमने राम के साथ क्या किया। कोर्ट में खड़े होकर के 2019 के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय इन्हीं के वकील खड़े हो गए थे
कि अभी न्याय नहीं होना चाहिए राम के मंदिर के लिए। क्या बात कर रहे हो? किस मुख से राम की बात कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार क्या है राम के विषय पर बात करने का? कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में खड़े होकर के मैं न्यायाधीशों का सम्मान करती हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ, राम मिले सेवक, राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले प्रण के हेतु वनवासों में। ये मेरठ के कवि हरिओम पंवार जी की पंक्ति। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। मैं खास तौर से मैं मेरठ से हूँ, बड़े राम जी जी। फिर से सुना दे। गौरव गोगोई ने भी उन्हीं पंक्तियों को, इसीलिए मैंने वो उद्धृत किया। जी जी, मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने मेरठ के महान कवि, राष्ट्रीय कवि हैं वो, उनका उल्लेख किया। राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले हैं प्रण के हेतु वनवासों में, राम मिले हैं हनुमान के क्या बात है सीने पर, राम मिले सबरी के जूठे बैरों पर, और आखिरी मैंने जोड़ा अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर मिला है नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम का इतिहास यदि इन्होंने पढ़ा होता तो जो राम को नकार रहे उनको जवाब मिलना चाहिए था, रामायण फाड़ने वालों को जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दे सकते। अब कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, यदि छछूंदर सांप निगल लेता है तो ना वो गलते बनता है और ना ही निगलते बनता है। वह स्थिति है इनकी। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहती हूँ, रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास। अध्यक्ष महोदय, जब गरीबों की बात कर रहे थे, मैं तो आज अपने विषय पर सीमित रहने वाली थी, लेकिन इन्होंने छेड़ दिया, और जो छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने उस हाउस में जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, यदि इन्होंने गरीबी दूर की होती तो आज 4 करोड़ लोगों को घर देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन है? वही है सबरी के लोग, वही है निषाद के लोग, वही है जटाई के लोग, वही है रीछों के लोग, जिनको समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाले युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं गरीबी दूर हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, गरीबी दी किसने? अध्यक्ष महोदय, आज मैं थोड़ा अपने बचपन की बात जरूर बताना चाहूंगी। जब इन्होंने कहा, मैं तो राम जन्मभूमि तक सीमित थी, मुझे आगे नहीं बढ़ना था। 1982 में मैंने घर छोड़ दिया था। मेरे पिता दूसरों की ईंटें पात के अपने हम लोगों को पालन करते थे। सन्यासी हो गई थी 14 साल की आयु में। श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हमीरपुर जिले में सुमेरपुर बिलाक में गई थी। संत थे, सरल स्वभाव था। हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी आई हैं, 14 साल की आयु क्या होती है, लेकिन पहली स्पीच थी कि हम गरीबों को घर देंगे, गरीबों को भूखे नहीं सोने देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा विश्वास हुआ। मुझे लगा कि मैं तो घर छोड़ के चली आई, अब मेरे पिता को पक्का मकान जरूर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये नारा 14 तक चला। और मेरा सौभाग्य, अध्यक्ष महोदय, गरीब की बेटी को गरीबों को घर देने का अधिकार यदि किसी को दिया है तो मुझे दिया है, मेरे सहन से हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सूखा पड़ा था, मेरे गांव में नहर की खुदाई हो रही थी, शायद 12 साल की आयु होगी। काम के बदले अनाज की घोषणा की गई थी, मैं भी जाती थी इतनी मिट्टी उठा करके, ज्यादा अनाज मिले। अध्यक्ष महोदय,
लाल जुंडी मंगाई गई थी। मेरी माता रोटी बना के खिलाती, जुंडी माने ज्वार। मेरे बुंदेलखंड की भाषा में क्या करूं, है तो हम बुंदेलखंडी, हम बैठे हैं ना, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी पर्याप्त होते हैं अध्यक्ष। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बुंदेलखंड बहुत प्यारा क्षेत्र है जी। अध्यक्ष महोदय, मैं वो दिन याद करती हूँ, मेरी माँ यदि आटा बना के रोटी खिलाती तो पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकती थी, दलिया बना के खिलाती थी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का, कोविड जैसी महामारी के समय पर एक भी परिवार भूखो नहीं मरा, और काम की जरूरत पड़ी तो मनरेगा में पैसा बढ़ा करके लोगों को गांव काम भी दिया। सभापति महोदय और वक्ता भी हैं, लेकिन आज मेरा दिल अंदर से रो रहा है। रो इसलिए रहा है, जिसके लिए सबरी प्रतीक्षा करते बूढ़ी हो गई थी तब राम गए थे। हमारे पूर्वज 22 पीढ़ी खप गई इस आंदोलन के लिए। मैं उस दिन रो रही थी अयोध्या में, जब प्रभु राम भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे थे, भगवान के उस विग्रह को देख करके, और देश के सबसे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों को मैं रो रही। अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं आंदोलन की भी भागीदारी रही, और एक शंकराचार्य जी का श्लोक है, यद्यपि उन्होंने कहा कि बहुत ग्रंथ हैं, रुचि नाम वैचित्र्याद द्रज कुटिल नाना पद जुसाम, प्रणाम को गम्य तुमसी पैसाम मरण यो। हमारे जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। मोदी जी ने वो काम किया है जो राम ने किया था। अध्यक्ष महोदय, गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों की चिंता की है। ओबीसी कमीशन की मांग कब से चल रही थी, ये किसने दिया, 56 इंच के सीने ने दिया। सभापति महोदय, मैंने, मुझे 10 मिनट समय मिला था, मैंने समय ज्यादा ले लिया। वेदांत हमारा स्वाभिमान। अध्यक्ष महोदय, मैं वेदांती गुरु की शिष्या हूँ, जानती हूँ कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ज्यो ब्रह्म वायु न परा, शंकराचार्य की परंपरा को जानती हूँ, जहाँ उनकी दृष्टि में ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये संसार तीनों कालों में नहीं है, लेकिन वहीं देश को जोड़ने के लिए चारों मठों की स्थापना भी करते हैं कि पश्चिम का व्यक्ति उत्तर जाएगा, उत्तर का पक्षी दक्षिण जाएगा, लेकिन जब शंकराचार्य जी का अपमान किया जा रहा है। सभापति महोदय, वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। सभापति महोदय, जब तक होती शांति हृदय में, इसको बहुत गंभीरता से सुनिए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को अवगत कराना चाहती हूँ, इनकी सरकार के समय मेरे सैनिकों के सर कतल करके पाकिस्तान ले गया था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी के सीने में 56 इंच के सीने ने घर में घुस करके मारा। जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक होते हैं केवल भारत के। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, तब हो जाते हैं महाभारत। इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम करते हैं अभिनंदन, ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम करते हैं वंदन, और सभी साधु संतों की तरफ से मैं बारंबार करती हूँ अभिनंदन। जय श्री राम। डॉक्टर एम गुरुमूर्ति जी, थैंक यू चेयरमैन सर। सर, एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू स्पीक ए फ्यू पॉइंट्स अबाउट लॉर्ड रामा एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ
द एटर्नल टीचर।